मौका। देखती जीजू ने तुझे होटल बुलाया है, वो अकेले होंगे, तू भी अकेली होगी। कह दे अपने दिल की बात, देख अब तो गॉड भी तेरे साथ है। लेकिन बिल्कुल उन्हें क्या बात करनी होगी मुझसे? अरे जो भी करनी है, लेकिन तू अपनी बात कह देना, सबसे पहले अपनी बात कह देना और कह देना कि तू उनसे प्यार करती है, ठीक है? तू चल। अरे सोच के रही है, वो पर्स। चल। जीजू ने तो तेरा आधा काम कर दिया, बाकी का आधा काम तू अपने दिल की बात कह के कर देना, ठीक है? तो सब पुराने डिजाइन है, कुछ नई डिजाइन दिखाओ ना। प्रज्ञा कहाँ जा रही हो बेटा? इधर आओ, पहले मेहंदी लगवा लो। ये कैसी बात हुई दादी, एंगेजमेंट तो मेरी हो रही है, तो सबसे पहले मेहंदी लगाने का हक तो मेरा ही बनता है। एटलीस्ट आज के दिन मुझसे मेरा हक मत छीनिए दादी। क्या बात कर रही है, आज का तो पूरा दिन ही तेरा है, जो तुम्हारे मन में आए करो, कोई रोकेगा नहीं। दी मैं मेहंदी लगवा लेती हूँ, तब तक ना तू अपना वो काम जो मैंने तुझे सौंपा था ना वो खत्म कर गया, ठीक है? बाय। दादी प्रज्ञा को किस काम के लिए भेजा तूने? वो दादी समझ लीजिए कि दो बहनों के बीच का टॉप सीक्रेट है, अब एंगेजमेंट का गिफ्ट ही समझ लीजिए। ठीक है चलो मेहंदी लिखवा लो। माँ जी गिफ्ट तो रॉबिन भी लेकर आ सकता था, फिर प्रज्ञा क्यों गई है? क्योंकि बुलबुल उसकी बहन है, रॉबिन की नहीं। पर माँ जी तू बातें ना बना, मिठाई वाला देख आया कि नहीं आया। मिठाई देनी है ना, मेहंदी वालों को शगन डालना है। इससे पहले कि काम का अगला वार तुझ पर हो मिताली, यहाँ से खिसकने में ही भलाई है। प्लीज गॉड मेरे दी के साथ रहना और उसे हिम्मत देना ताकि वो जीजू से अपने दिल की बात कह दे। प्लीज 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 गॉड, मेरी एंगेजमेंट पर इससे अच्छा गिफ्ट तो कोई हो ही नहीं सकता। हेलो क्या कर रही हो? कुछ नहीं। कुछ नहीं, मुझे तो लगा तुम मुझे मिस कर रही होगी। मिस? मैं तुम्हें क्यों मिस करूं? अच्छा मिस नहीं कर रही, एक बात बताओ, मेरा फोन आते ही तुम स्माइल क्यों कर रही हो? तुम्हें कैसे पता कि मैं स्माइल कर रही हूँ? बिल्कुल मुझे बहुत कुछ पता है, इनफैक्ट मुझे तो ये भी पता है कि तुम अभी क्या कर रही हो। इस वक्त तुम अपनी हाथों की मली में मेरा नाम देख रही हो। Am I right? पूरा तुम्हें कैसे तुम यही कही हो ना? हाँ तुम मुझे देख सकते हो ना? बताओ जब भी तुम मुझे याद करती हो ना तो मैं अपने आप तुम्हारे पास खिंच आता हूँ, एक बार फील करके तो देखो। मैं वही कही हूँ, तुम्हारे एकदम करीब। अच्छा आज एंगेजमेंट है तो बहुत रोमांटिक हो रहे हो। कसूर एंगेजमेंट का थोड़ी ना, कसूर तो तुम्हारा है। वो कैसे? तो पहला कसूर है तुम्हारी स्माइल का। जिसे देखता हूँ ना दुनिया की हर चीज छोटी पड़ती। फिर कसूर तुम्हारी खूबसूरत आंखों का, जिसके सामने दुनिया की हर चीज और भी खूबसूरत लगती है। फिर कसूर तुम्हारी बातों का, जिसे सुनता हूँ ना तो मैं खो जाता हूँ। बिल्कुल कसूर है तुम्हारे हाथों का, जो जब भी मेरे हाथों में आते हैं ना तो हर अकेलापन हर फिक्र दूर हो जाती है, और नजर आता तो एक रास्ता जिस पे तुम और मैं जिंदगी भर के लिए चल रहे। अरे प्लीज संभालो अपने आप को, प्लीज रो मत। मन करता है कि उसका मुंह नोच दूं, उसकी उसकी जो स्माइल देखकर पूरा पूरी दुनिया की खुशी भूल जाते ना। मन करता है उसकी आंखें बाहर निकाल दूं, जिससे पूरा पूरी दुनिया को देखना चाहता है। उसके बाल काट दो, उसके हाथ काट दो, उसका जान से मार दो। क्या कुछ नहीं किया मैंने उन दोनों को अलग करने के लिए, लेकिन लेकिन वो दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए हैं कि मुझसे दूर हो गए।
तनु मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन लेकिन अपने प्यार को किसी और की तारीफ करते हुए नहीं देख सकती। नहीं देख सकती। आलिया, पूरब जिसका दीवाना है तुम वो वजह ही खत्म क्यों नहीं कर देती? क्या मतलब? मतलब हर चांद पे दाग अच्छे लगते हो ये जरूरी नहीं ना। वो जिस चेहरे की तारीफ करता है हम उसे ही देखने लायक ना रखें तो? और आलिया, अगर ऐसा हो गया ना तो शादी बहुत दूर की बात है, वो एंगेजमेंट भी नहीं करेगा। अगर ऐसा हो गया तो मुझे पूरब को अपने पास बुलाने की भी जरूरत नहीं हो, वो खुद ब खुद मेरे पास आ जाएगा, मेरा पूरब मेरे पास आ जाएगा। ले, ये करेगा कौन? मैं जानती हूँ कौन करेगा। आलिया, मैं कैसे बिल्डर को जानती हूँ जो उस आदमी को तुमसे मिलवा देगा जो तुम्हारा ये काम कर सकता है? तुम बोलो तो मैं अभी बात करती हूँ उससे। थैंक यू सो मच भाभी, थैंक यू। अपनी आखिरी खुशियां मना लो बुलबुल, क्योंकि अब आने वाला तुम्हारा हर एक दिन तुम्हें सजा लगेगा। भूल ले रहे ना सब, आपका दिन लकी हो जाएगा। ठीक है, ये लो फूल देने। हे भगवान, प्लीज ये मौका हाथ से मत जाने देना और हिम्मत देना कि मैं उनसे अपनी बात कह सकूं। ये फूल देके फुग्गी का मूड ठीक रहेगा, वरना बात करने से ज्यादा टाइम तो लड़ाई में निकल जाएगा। फुग्गे ला, फुग्गे, फुग्गे ला, फुग्गे। दीदी, फुग्गे ला ना। तुम्हारा नया नाम होगा फुग्गी। कितने के? 30 रुपए के। 40 रुपए। थैंक यू। मूड तो खराब लग रहा था उनका, लेकिन शायद ये बलून देखकर मूड ठीक हो जाए और मैं अपनी बात बिना डरे कह सकूं। मानना पड़ेगा जानकी, हम लोग हैं ना बड़े खुशकिस्मत। भगवान ने हमें अभी जैसा दामाद दिया, बेटों से भी बढ़कर। कितना मना किया लेकिन सबके लिए तोहफे भेज दिए। और ये देख मेरा सूट, इतना सुंदर रंग है और रंग भी ऐसा कि मुझ पे बहुत खिलेगा। हाँ जी बीजी, और मेरा देखो ना, मेरे लिए भी कितना सोना सूट लेके आए हैं। हाँ। आपका नहीं, मेरा देखो, मेरा तो बहुत अच्छा है, सबसे अच्छा तो मेरा ही गिफ्ट है जिसने सबसे अच्छा मुझे दिया है। मैंने आपको कहा था ना कि आप सारे डब्बे दो, नहीं जी 2 घंटे नहीं, आप आधे घंटे में भिजवा दो। आपको पता है ना कि लड़की का मामला है और मुझे वैसे ही बड़ी घबराहट हो जाती है। हाँ जी ठीक है, ठीक है, नमस्ते। लो, मैं यहाँ कामों में लगी और आप सब यहाँ पर तोहफे निहारने में लगे। किसी को पता भी है कि घर में कौन है और कौन नहीं? कौन है कौन नहीं, क्या बोल रही है तू सरला? बीजी, बुलबुल, बुलबुल घर में नहीं है, सुबह से गई हुई है, ना उसने फोन किया ना कोई मैसेज। बीजी, मैंने कहा था ना कि प्रगति को फोन करके पता करना कि क्या बात है, तूने किया? हाँ बड़ी माँ, मैंने फोन किया था। दीदी बोल रहे थे कि बुलबुल ऐसी मजाक कर रही हो कि कोई बात नहीं है। चलो अच्छा, तो फिर कहाँ गई वो? अरे वो कब वापस आएगी, कब ब्यूटी पार्लर जाएगी, कब प्यार होगी, कब हम सगाई के लिए निकलेंगे? मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा, सगाई में ये सब कर रही है तो शादी में तो मेरा खून ही पीके रहेगी। पीजी, कोई काम ना ये टाइम से नहीं करती है। बिल्कुल तेरे पे गई। पीजी, मैंने कौन सा काम टाइम पे नहीं किया आप मुझे बताओ। तुझे 1 घंटे पहले मैंने कहा था गर्म पानी ले, तुझे दवाई खानी, तू लाइक? ओहो बीजी, मैं वो मल्होत्रा जी से ना मिठाई के डब्बों की बात करने लगी तो बिल्कुल भूल गई। बीजी मैं अभी लेके आती हूँ। आज ही ले आना, मुझे दवाई आज ही खानी है। पर दादी, मैंने तो आपको गर्म पानी दे दिया, फिर आप बड़ी माँ को क्यों बोल रहे हो? चुप है आपको, ये मेरी ट्रिक है। मुझे पता नहीं, जब सरला को टेंशन हो ना फौरन दूसरा काम बता दो, इससे पहले पहले भूल जाती है। ये सही है, माँ पे आजमाऊंगी कभी। क्या बोली, फिर से बोलना। कुछ भी तो नहीं, मैं तो सोच रही थी कौन से गाने पे डांस करूंगी सर। हाँ भैया, ये पिछली बार की तरह खाली नहीं होनी चाहिए, बहुत सारी नई नई लाइटें हैं, वो लगाइए, बहुत अच्छी तरह से सजाना, पूरा भर देना। उफो, पहले जैसा नहीं चाहिए, हमें बहुत सुंदर चाहिए। अरे तुम लोग खड़े क्यों हैं? चलो 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 यहाँ से, जल्दी जाओ जल्दी, यहाँ के सारा काम निपटा, इतना काम पड़ा। अरे सॉरी, चल बिजली वाले को तो हमने बोला था, बोलना भूल गई मैं। चल 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 जल्दी चल चल।
अरे अरे बुलबुल, अच्छा तो मिल गई, जा जाके दीदी को कंपनी दे, चल 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 चल। हाँ हाँ, तो अच्छे से सजा देंगे, बहुत बढ़िया। कितना? 50,000? ये तो बहुत ही ज्यादा है, तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो। हाँ? अरे एसिड फेंकना है, एसिड फेंकना है, कोई एटम बम थोड़ी जो इतने सारे पैसे मांग रहे हो। देखो 20,000 से एक रुपया ज्यादा नहीं मिलने वाला है। अच्छा, न तुम्हारी न मेरी, 30,000 पे डन करें। अरे देखो ज्यादा मुंह खोला ना तो मैं फिर किसी और से। ये हुई ना बात, तो 30,000 पे डन रहा, 20,000 बचा दिए। आलिया ये सब तो ठीक है, जहां बुलबुल को भेजना है वहां भेजेंगे कैसे? कितना अच्छा कलर है ना माँ सबके, बहुत ही अच्छा। दादी एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ? आपने बुलबुल की शादी के लिए जो दुपट्टा सेलेक्ट किया था वो आज लाना था ना, आज उसका आखिरी दिन था तो क्या हुआ, लिया जाके? हाँ दादी, मैं जाने ही वाली थी, लेकिन आप तो भाई को जानते हो, उन्होंने मुझे एक ऐसा काम दे दिया है जो मेरे अलावा और कोई कर ही नहीं सकता। मिताली भाभी भी बंटी बबली के काम में बिजी, और तनु वो अपने मॉडलिंग असाइनमेंट में, और तो और भाभी भी नहीं है, वरना मैं उन्हें बोलती हूँ तो आप तो जानती हो तो सब काम कितने अच्छे से कर लिया। एक काम करती हूँ, मैं लेकर आती हूँ। नहीं नहीं बुलबुल, तुम नहीं जा सकती, तुम्हारी शादी होने वाली है, एंगेजमेंट है, और तुम्हारे हाथों पर तो मेहंदी लग गई, और कहते हैं ना कि मेहंदी लगाने के बाद दुल्हन बाहर नहीं जाती। बिल्कुल बिल्कुल। दादी देखिए, मेरी शादी है, मेरा दुपट्टा है, मुझे प्लीज जाने दीजिए। बुलबुल मेरा दिल नहीं मानता, तू मत जा। दादी प्लीज जाने दीजिए ना, एटलीस्ट ये तो करने दीजिए मुझे, प्लीज। माने की नहीं है लड़की। थैंक यू, मुझे एड्रेस दे दो। थैंक यू सो मच बुलबुल, यू आर अ सेवियर। ये लो, इसमें एड्रेस है और नंबर भी है, इसमें इनवॉइस नंबर भी है उस दुपट्टे, सो यू कैन टेक दिस। एंड भाभी आप एक काम करिए, दुकानदार को फोन करके तो बताइए कि बुलबुल निकल रही है दुपट्टा पे करने के लिए। हाँ हेलो जी, वो आ रही है। कितनी देर में? बस अभी निकल रही हूँ, आधे घंटे में पहुंच जाऊंगी। आधे घंटे में पहुंच रही है वो? हाँ क्या? अच्छा एक मिनट रुकिए। ये आपने पिक्चर क्यों? या मिताली भाभी, इट्स वेरी रूड, बिना किसी के परमिशन के आप फोटो कैसे खींच सकते हैं? आई एम सो सॉरी बुलबुल। ये दुकानदार को फोटो भेजा तुम्हारा? अच्छा, नहीं तो वो कैसे पहचानेगा कि तुम लेने के लिए आ रहे हो? नहीं तुम बोलो तो मैं डिलीट कर देती हूँ। नहीं भाभी इट्स ओके, आप भेज दीजिए। भेज दूँ? पक्का? हाँ पक्का भेज दीजिए। ठीक है दादी, मैं चलती हूँ। बेटा ध्यान से जाना। दादी आप प्लीज चिंता मत कीजिए। थैंक यू सो मच बेटा। क्या बात है बेटा, ध्यान से बेटा। इसे कहते हैं अपने हाथों से अपनी कवर को खोदना। मैं ऐसा करती हूँ, उसे वो एड्रेस भी भेज देती हूँ जहाँ बुलबुल को भेजा है हमने। आलिया तुम्हें और पूरब को एक होने में सिर्फ 30 मिनट पड़े। इस 30 मिनट में मुझे कुछ मिले या न मिले, लेकिन इस बेचारी बुलबुल का तो सब कुछ खोने वाला है। किसी भी तरह मुझे फुग्गी को समझाना होगा, वरना एक बार तनु के पेरेंट्स आ गए फिर कुछ नहीं कर पाऊंगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ये बलून किसके लिए? बंटी बबली भी आए ना? नहीं, आपके लिए। तुम मेरे लिए बलून्स लेकर आई? मैं कोई बच्चा हूँ? दिमाग बेच के बलून्स खरीदा है तुमने? आप मुझे फुग्गी बुलाएंगे तो फुग्गी फुग्गी ही लाएंगे। फुग्गी फुग्गी ही लाएगी ना? वैसे भी मैं आपको बताना चाहती थी कि फुग्गी
इंसान में क्या फर्क होता है? तुम मुझे फर्क कंट्रोल, अभी कंट्रोल, क्योंकि अगर इसका मूड खराब हो गया ना तो ये कुछ नहीं सुनेगी। कितने अच्छे बलून से। माय फेवरेट कलर्स, येलो, ब्लू, ग्रीन और मेरा वाला पिंक भी। लवली, थैंक यू। ये पता था तुम मुझे सरप्राइज करोगी इतने खूबसूरत बलून्स के साथ, इसलिए मैं भी तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया। जॉन्डिस वाले फूल, चोकिंग येलो, येलो फ्लावर्स, ये हमारे लिए। फूल के नीचे जो काटे हैं वो तुम्हारे लिए। क्या? I mean, फूल दिए तो इसलिए फूल तुम्हारे लिए ना। क्या बात है, आज आप मुझ पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो रहे। तुम भी कम मेहरबान हो रही हो, इतने प्यारे बलून्स लेकर आई हो मेरे लिए, ऐसा लग रहा है पूरा का पूरा रेनबो उठाकर लाई हो। सो स्वीट। ये बलून्स कितने के? मैंने पूछा फूल कितने के? क्या बेकार की बहस कर रहा है अभी? पॉइंट पे आना। जगह, जगह अच्छी। आज सुबह ही बनी है। क्यों, प्यास लगी? नहीं। भूख लगी? नहीं। चाय? हाँ। वेट, एक्सक्यूज मी। टू टीस प्लीज। टी नहीं, टी टी कॉफी। आप कॉफी पीते हैं ना? तुम्हें नहीं पता कि मैं कॉफी पीता हूँ? जी सर। दो। इनके सामने आते ही इतना नर्वस हो जाती हूँ, अब कैसे बोलूं? फुगी को भी तो कुछ बात करनी थी ना, इसी से शुरू करवाता हूँ फिर अपनी बात करूंगा। फुगी, मेरा मतलब है तुम कुछ कहना चाहती थी। हाँ, लेकिन आप भी तो कुछ कहना चाहते थे ना, पहले आप बोलिए। मैं कैसे पहले बोल सकता हूँ? लेडीज फर्स्ट। घर में तो बड़ा मैं करते हैं, यहाँ लेडीज फर्स्ट। पहले आप बोलिए। पहले तुम। पहले आप। मैंने कहा ना पहले तुम। पहले आप। पहले आप। सॉरी, इट्स अ पार्टी। पहले तुम। देखिए, मैं तो अपनी बात कभी भी बोल सकती हूँ ना। आपने तो मुझे स्पेशली स्पेशल जगह पे बुलाया, तो पहले आप बोलिए। पहले तुम बोलोगे। मैं कैसे नहीं बोल सकती, आप क्यों नहीं समझ रहे? ये फुके तो मेरे लिए लाई हो ना। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे फुके। बोल। You guys are married, no? Yes. Arranged marriage? Forced arranged marriage. कोई बात नहीं, first time ऐसे ही होता है। मतलब? हम दोनों, तुम दोनों को बहुत देर से देख रहे हैं। तुम दोनों एक दूसरे से कुछ कहना चाहते हो और बोल नहीं पा रहे हो, है ना? हाँ। तो हमने डिसाइड किया है कि हम यहाँ आएंगे और आप दोनों की हेल्प करेंगे, ओके? तुम दोनों जो कहना चाहते हो वो हम कह देंगे, फिर अगला स्टेप तुम ले लेना। वो कैसे? अब सपोज कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और तुमसे कह रही हूँ आई लव यू, मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। और तुम ये सपोज करो कि मैं तुम्हारा कंफ्यूज्ड हस्बैंड हूँ और मैं कह रहा हूँ कि तुम दुनिया की सबसे बेस्ट वाइफ हो, एंड आई लव यू टू। फासले हैं दे
That's it, my boy. That's well it. Done, my That's child. It. हम जानते थे तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है. देखो हमने ये प्रॉब्लम तुम्हारे सॉल्व कर दी. अब इसके बाद का स्टेप तुम ले लो. नेक्स्ट है मुझसे तो वेट नहीं हो रहा. चाहते हो उस बहन जी की बहन का गुरु ना मेरी आंखों के सामने टूटेगा और फिर कितना मजा आएगा. लेकिन इस बार कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. वो हमारे हाथ से बच के नहीं जानी चाहिए. डोंट वरी, इस बार हम लोग मेक श्योर करेंगे कि ऐसा कुछ भी ना हो. लेट्स गो. हाँ मैं भी साथ में चलती हूँ. एक से भले दो और दो से भले तीन, है ना. अभी नेक्स्ट स्टेप है लव को एक्सप्रेस करना. देखो जैसे हम करते. वी टू वॉच अस लाइक वी डू. हैप्पी एनिवर्सरी डार्लिंग. हैप्पी एनिवर्सरी. Thank you very much. Come on, do it. तुम्हारी आंखों में जो प्यार है ना अपने हस्बैंड के लिए वो देखा है. शर्माओ नहीं. Go ahead. Kiss him. Come on, young man. What Come are on. You waiting for? जाओ उठो. Kiss her. I know you are a rock star. Love song gaate ho. Express nahi kar sakte love. Come on, get up. Kiss her. Come on. Ho! Koi aapka purse leke bhag raha hai. De! On! Pakdo! Arre purse! Chal! Phoon! Dekho purse to hai. Haan. सब ठीक है. सब ठीक है. हाँ. अरे फिर पर्स में देखो. कहाँ गए वो लोग? कहाँ गए? गायब हो गए. बोले क्या भाई? नहीं नहीं ना तो हाथ किस करने के बाद छोड़ोगी? बेवकूफ है पर क्यूट है. जिंदगी ये सफर में है कट रहा है रास्ता. जिंदगी ये सफर में है कट रहा है रास्ता. हम सफर तो है मगर मंजिलें हैं जुदा जुदा. हम सफर तो है मगर मंजिलें हैं जुदा जुदा. आपका ये आदमी कब आएगा मिताली भाभी? आएगा भी या नहीं आएगा? नहीं नहीं आलिया, वो आएगा, जरूर आएगा. क्या देख रही हूँ? मतलब मैंने ऐसे काम कभी किए नहीं है, लेकिन मैंने ना ऐसा सुना हुआ है कि जो लोग ऐसा वाला काम करते हैं ना वो अपनी जबान के बहुत पक्के होते हैं. वो अपना काम जरूर करने के लिए आएगा. अरे तो फिर कहाँ है आपका आदमी? बुलबुल बस अब किसी भी वक्त यहाँ पर आती होगी. थोड़ा सबर करो ना आलिया, वो आएगा ना. वो देखो वो आ गया. मैंने कहा था ना वो जरूर आएगा. आर यू श्योर ये वही आदमी? लग तो वही रहा है कि वही आदमी है. रुको मैं पता करके आती हूँ. किधर जा रही हो? बैठी रहो. वो देखो वो अंगूठा दिखा रहा है काम होने के पहले. मेरा मतलब है थम्स अप कर रहा है. कभी तो भरोसा क्या करो ना. देखो आ गया ना वो काम करने के लिए. अब तुम देखना वो अपना काम कैसे पूरा करेगा. बेचारी बुलबुल अपनी शादी की चुनरी लेने आई. अब कुछ ही देर में यही चुनरी इसका ये बदसूरत चेहरा छुपाने के काम आएगी. Okay.
जी, ये हीरो बनकर कौन आ गया? तो कॉर्पोरेटर है। बुलबुल तुम ठीक तो हो ना? Don't touch me. How dare you? बुलबुल वो क्या वो? तुम मुझे मारना चाहते थे ना? बुलबुल मैं तुम्हें मारना चाहूंगा। Of course तुम मुझे मारना चाहते थे। अगर वो आदमी मुझे आकर नहीं बचाता ना तो तुम मुझे। बुलबुल वो तुम्हें मारने आया था, तुम्हें बचाने के लिए। प्लीज जस्ट शट अप ओके। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ तुम्हें और तुम्हारी ये कहानियाँ। बुलबुल मेरा यकीन करो, मैं तुम्हारा यकीन करो? जिसकी सोच और जिसकी नीयत इतनी घटिया हो सकती है उस पर मैं यकीन करूँ? मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दे सकता, तुम सेफ नहीं हो बुलबुल। बुलबुल मेरी बात समझो प्लीज। छोड़ो ये मेहंदी क्यों लगाई है तुमने? तुमसे मतलब? बुलबुल ये मेहंदी क्यों लगाई है बताओ मुझे। क्या करोगे तुम जानकर? मुझे जानना है कि ये मेहंदी क्यों लगाई है तुमने। मेरे खाना जस्ट लीमी, मेरे सामने आने की कोशिश मत करना। बुलबुल मेरी बात तो सुनो। बुलबुल तो उठाओ इसे, उठाओ इसे। ए कौन है तू? ए होश में, इसको होश में लाओ। ए कौन है तू? कौन है तू? कौन है तू? क्या करने आया था? क्या करने आया था तू उस लड़के के साथ? बता, नहीं बताएगा? बता कौन है तू? तेरा नाम क्या है? क्या करने आया था तू उस लड़की के साथ? बता मुझे। बहुत मारूंगा तुझे, जान से मार दूंगा। बता बता। नहीं बताएगा? नहीं बताएगा तू? ऐसे नहीं बताएगा। बताओ 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 पता, वरना इस आशीष से तेरा मुंह चला। ये तो हमारी तरफ ही देख रहा है। अरे चलो यहां से। गाड़ी निकालो, उसका पीछा करना है। गाड़ी निकालो, बैठो, पीछा करना है। क्या वैसे की बैठी हो जैसे सारी गलती मेरी है? मैंने क्या किया? वही ना, तुमने कुछ किया नहीं है। तुमने कुछ कहा नहीं, अगर कुछ बोल देती ना तो अंकल आंटी हमें टॉर्चर नहीं करते। वही तो प्रॉब्लम है, अपनी बात कभी बोल ही नहीं पाती। क्या क्या? कुछ नहीं, मैं बस ये बोल रही थी कि आप भी तो मुझसे कुछ कहना चाहते थे, आपने क्यों नहीं कहा? हाँ, मुझे एक्चुअली तुमसे कुछ नहीं। इतना ट्रैफिक जाम है यहाँ पर। पीछे जाओ, पीछे बैठो चुपचाप।